फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। मेरठ स्वास्थ्य विभाग का भगवान ही मालिक है, या यह कहा जाए कि यहाँ सब भगवान भरोसे ही चल रहा है। बीते दिवस संक्रमित PPE किट को यूं ही परिसर में डाल दिया गया। जब यह बात स्टाफ को पता चली तो वहाँ हड़कंप मच गया। हर कोई उस संक्रमित PPE किट को संदेह व आशंकित नजरों से देख रहा था। करीब 12 घंटे तक ये संक्रमित किट वहीं पड़ी रही। इसकी शिकायत जब CMO डॉक्टर राजकुमार से की गई तो उन्होंने इस किट पर क्लोरिन में ब्लीच का छिड़काव कराया। साथ ही इस यूज्ड किट को सुभारती मेडिकल कॉलेज स्थित बायो डिस्पोजेबल सेंटर भेजने की व्यवस्था कराई। इस बीच मेरठ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। आज दो लोग खरखोदा थाना क्षेत्र के ग्राम उल्धन व ग्राम आड़ के निवासी हैं। दोनों को ही रात गांव से अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। मेरठ स्वास्थ्य विभाग पर मेरठ जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने की जिम्मेदारी है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते यह जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। एक कारण यह भी है कि संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जिन लोगों के संक्रमित होने की आशंका है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मामूली सी चूक लोगों की जान को मुसीबत में डाल सकती है। बीती रात एक ऐसी ही चूक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में देखने को मिली। यहाँ पर PPE किट इस्तेमाल के बाद लाई गई थी, जिन्हें ऐसे ही खुले में फेंक दिया गया। ये करीब 12 घंटे तक ऐसे ही खुले में पड़ी रही। ये PPE किट मरीजों का संक्रमण जांचने अथवा उनके इलाज के दौरान इस्तेमाल आती हैं। इस बारे में फर्स्ट बाइट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार से बात की। आइए देखते हैं अभी PPE किट की क्या व्यवस्था है, क्या हमारे पास पर्याप्त है जिले में? मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ एक L1 फैसिलिटी चल रही है 5 लीटर में, जहाँ पे करीब 29 पेशेंट एडमिट है और उन 29 पेशेंट पे जो डॉक्टर्स स्टाफ हमारा काम कर रहा है उसके लिए अभी मेरे पास पर्याप्त PPE किट है। और इसके अलावा मैंने टेंडर भी किया हुआ है जैम पोर्टल पर, वो भी कल या परसों खुल जाएगा, कल बुध को खुल जाएगा और उसके बाद मेरे पास पर्याप्त मात्रा में लगभग 3000 का मैंने टेंडर किया है तो उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, पिछले दिनों सरधना PHC से भी कोई शिकायत आई थी कि वहाँ के डॉक्टर्स कह रहे थे कि हमको PPE किट चाहिए लेकिन वो प्रोवाइड नहीं किया। नेट किया होगा तो प्रोवाइड कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जो भी नेट करवाया प्रोवाइड करा। तो क्या PHC स्तर पर भी PPE किट उपलब्ध करवाई जा रही है? PHC स्तर पर केवल जो लैब टेक्नीशियन है उसको सैंपल कलेक्ट करना होता है, उसके लिए उपलब्ध कराना होती है। बाकी फील्ड में जाने के लिए केवल मास्क की जरूरत है और सैनिटाइजर। अभी तक जो PPE किट जो यूज़ की जा रही है, यानी कि जो संक्रमित हो चुकी हैं, तो उनका डिस्पोजल आप किस तरह से कर रहे हैं? बायोमेडिकल जो वेस्ट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट से किया जाता है। कहाँ जाती है वो? सुवारती में उनका प्लांट लगा हुआ है और वहाँ पे उनका वेस्ट। लेकिन आज की सूचना ये है कि आपके ऑफिस के पीछे ही बहुत सारी किट डाल दी गई। वो कल LT ने पीछे रख दी थी, जबकि उनका हमने जो डंपिंग वो बॉक्स है वो पीछे हमने रखे हुए थे। तो क्या इससे स्टाफ को कोई दिक्कत नहीं होगी? हमने ब्लीचिंग पाउडर उसमें डलवा दिया था, अब वो गाड़ी आ गई मैंने उठवा दिया। कल से पड़ी है यहाँ पर, वो कल रात में डाल के गए। तो क्या यहाँ से आपका स्टाफ ही संक्रमित नहीं हो जाएगा? वो अलग है, इतनी दूर से उड़ के नहीं आता है, कोई संक्रमित नहीं होगा, उसे ब्लीचिंग पाउडर डलवा दिया गया। ब्लीचिंग पाउडर आज डलना है? हाँ, सुबह। यह भी जानकारी में आया कि खरखोदा थाना क्षेत्र के दो गांव उल्धन व आड़ में भी दो लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। इन लोगों को रात में ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इस तरह मेरठ में अब तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा 60 को छू गया है। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि बीते दिवस से 37 लोगों को टेस्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। गंभीर तथ्य यह भी है कि जली कोठी में सील करने की टीम पर पथराव करने के आरोपी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस कारण दो दरोगा, दो सिपाही व एक सफाई कर्मचारी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन आरोपियों को पकड़कर सदर व देहली गेट थाने में रखा गया था। इस खबर में आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।